बाडरे बनाने वाले भाई रे तेरे बाडर आने भाई मेरा खालिया बाडरे बनाने वाले भाई रे तेरे बाडर आने भाई मेरा खालिया ओ भाई रे तेरे बाडर आने भाई मेरा खालिया ओ भाई रे आई थी दिवाली भाई लगा नौकरी आई थी दिवाली भाई लगा नौकरी वो विदेश वाली माई ने बिठा लिया बाडरे बनाने वाले भाई रे तेरे बाडर आने भाई मेरा खा लिया बाडरे बनाने वाले भाई रे तेरे बाडर आने भाई मेरा खा लिया जिन हाथा पाल्या उनने के जाग बोलूं मैं खून की आवरदी क्यों करे उन हाथा में तोलूं मैं चढ़ के चुबारे जिसकी डीके थी दीद ने क्यों कर कह दूं वो बेटा हो गया शहीद रे हो गया शहीद रे हो गया शहीद रे बिन ब्याई बाण एक बैठी घर में अब मेरा भाई बाजिया से आए लावे से मेडलिए चेक थारे रखो साहब जी मेरा भाई दे दे काल जायो पाठ कहने आवे से साथी मुबारक तुम्हें Thank you.
बस इतना याद रहे एक साथी और भी था, देश के लिए कुर्बान हो गए जी। ये बहुत ही गर्व की बात है कि तारानगर विधानसभा क्षेत्र के सावा कस्बे का लाडला सपूत देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ये तारानगर के गर्व की बात नहीं, सावा के गर्व की बात नहीं, ये पूरे हिन्दुस्तान के गर्व की बात है। आज हम सबका सर ऊंचा है उसकी शहादत से। आज जो है हमारे बीच में से कोई जाता है तो दुख जरूर होता है, लेकिन जब देश का सामने नाम आता है तो हमें गर्व होता है। आज मैं परिवार के लोगों से मिला, उनके पिताजी भी जो है आर्मी में देश की सेवा कर चुके हैं, लेकिन उनके परिवार का जज्बा, उन्होंने कहा कि जाना तो सबको ही होता है लेकिन मेरा सपूत देश की सेवा करते हुए गया है, इस बात का मुझे गर्व है। आज इस मौके पर मैं इतना ही कह सकता हूं कि भाई कमल कुमार शहीद हुए हैं, वो शहीद नहीं वो अमर हुए, और आज हम सब सैल्यूट करने के लिए आज एकत्रित हुए और आशा करते हैं कि उनके परिवार को एक क्षति सहन करने की ईश्वर शक्ति दे और उनको स्वर्ग प्राप्त हो, यही बात मैं आज के दिन कहना चाहता हूँ। कमल की शहादत के लिए नमन करने के लिए हम सब लोग आए हैं। कमल की शहादत हमारे लिए गर्व की बात है, देश की सीमा की रक्षा के लिए जान देने वाला हमारा ये नौजवान आने वाले नौजवानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा, आने वाले नौजवान आकर्षित होंगे सेना में जाने के लिए। इतना बड़ा हजूम मैंने मेरे राजनीतिक जीवन में कभी किसी शहीद को शहादत देते हुए इकट्ठा होता नहीं देखा।